मैं भी इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूंगा। देखना मैं सबसे ज्यादा दूध पीकर फर्स्ट आऊंगा। नहीं चिंटू, तुम एक जिन हो, तुम जादू से जीत जाओगे। कोई नॉर्मल बच्चा तुमसे मुकाबला कैसे कर सकता है? तुम मुझे किसी भी कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लेने देते। भाइयों बहनों, हमारा नाम है क्रोधी पहलवान। हमारी डेयरी में ये कंपटीशन यह ले रखा गया है कि बच्चों को दूध पिए की आदत पड़ जाए। जौन बच्चा सबसे ज्यादा दूध पिएगा वह फर्स्ट आएगा। चलो भाई चलो, मुकाबला शुरू करता हूँ। बस बस बिटुआ, हमार सब दूध खत्म हो गया। हम तुमका फर्स्ट प्राइज। एक मिनट सर, ये कंपटीशन फुरसतगंज के बच्चों के लिए है। फर्स्ट प्राइज बंटी को मिलना चाहिए क्योंकि ये लड़का फुरसतगंज का नहीं है। मेरा नाम पिंटू है। मैं फर्स्ट आया हूँ। और देखो भाई, कहे कि पिंटू जो है फुरसतगंज का नहीं है, इसे इस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज नहीं दिया जा सकता। फिर भी हम इसे एक प्राइज तो दे ही देंगे। ये ट्रॉफी है ये बचवा पिंटू के लिए, और ये कंपटीशन में फर्स्ट आया है बंटी। ये मैं जीत गया। अभी सूत्रों से पता चला है कि फुरसतगंज में रोज हर तबेले से भैंसें चोरी हो रही हैं। पुलिस की काफी कोशिशों के बाद भी चोर पकड़ा नहीं गया है। अब सिर्फ न्यू डेयरी में ही भैंसें बची हैं, क्योंकि उसकी सुरक्षा बहुत सारे पहलवान कर रहे हैं। लोगों ने रोबो बॉय से अपील की है कि इस चोर को पकड़े। रोबो बॉय, अगर तुम ये न्यूज देख रहे हो तो प्लीज हेल्प। दादाजी, हमें उस चोर को पकड़ना होगा। लेकिन कैसे? जिंटू है ना, दूध से भरा हुआ पूरी डेयरी, इसे कहो जादू से भैंस बन के खड़े हो जाए। जब चोर इसे ले जाएंगे तो ये सब कुछ देख